वेलकम बैक गाइस, कैसे हो? तो गाइस देखिए, ये वाला जो सेट है हमारे पास आया था रिपेयरिंग के लिए, तो दिखा देते मैं इस सेट से होकर। देखिए, मैंने रिपेयरिंग के लिए आए थे एंड कस्टमर ने जब दिया था ये, यानी कि नहीं चल रही थी एंड हमिंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा। हो गया गाइस, तो किसी ने काम किया था एंड मैंने क्या क्या काम किया तो आप लोगों को दिखा देते। हो गया गाइस, तो देखिए गाइस दिखाती हूँ। हमिंग कर रहे थे यानी कि कंडेंसर जो कैपेसिटर होता है, मेन फिल्टर कैपेसिटर, देखिए इस साइड में जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है इस साइड वाला ख़राब हो गई थी, वो बेस के लिए लगा हुआ था, ये देखिए ये वाला। ओके, 25 वोल्ट 47 mA। ओके, तो ये वाला कैपेसिटर ख़राब हुआ था एंड देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ था। होगा गाइस, ये देखिए यहाँ पर सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है। ओके, तो मैंने सेम वैल्यू का ऊपर से लगा दिया एंड यहाँ पर म्यूट का जो कैपेसिटर होता है यानी कि ऑडियो इन का यहाँ पर, तो ये चेंज कर दिया एंड अपन ने यहाँ से यहाँ एक जम्पर किया। ठीक है, वो ख़राब थी तो सेट हमारा चल पड़ा। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था एंड यहाँ पर ऑडियो इन और पोटेंशियोमीटर इस साइड में है। ओके गाइस, एक ब्रांडेड का नहीं है, यूनिवर्सल है। ओके गाइस, चाइना का यानी कि क्रिएटेड है, कंपनी का नहीं है, बट साउंड क्वालिटी अमेजिंग है गाइस इसका। तो ये जो हमिंग का प्रॉब्लम फॉल्ट जो आते है ज़्यादातर मेन फिल्टर कैपेसिटर से आती है एंड हमारे यहाँ पर छोटा मोटा जो पीएफ होता है गाइस ये ख़राब हो जाता है, तभी होता है। तो मैंने देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा होगा, देखिए। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पर हमारा बेस स्पेयर कनेक्टर है, यहाँ पर एक रेजिस्टर कनेक्ट है, तो आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टर कनेक्ट है ये वाला, इसको चेंज कर दो एंड यहाँ पर 1 μF ओके तो कैपेसिटर लगा हुआ था ऑडियो का, वो ख़राब हो जाए तो हमिंग करेगा। ठीक है गाइस, तो वो बदल दो। देखिए यहाँ से मैंने ऊपर से लगा दिया, यानी कि हाल फिलहाल छोटा कैपेसिटर, कोई बात नहीं, चल जाएगा। ओके, तो चलिए मैं इसका ऑडियो दिखाते हो आप लोग कैसे बज रहे। ओके गाइस, पहले इसको सेट को हम लोग लगा देते, तो तार चिपक गया यार। चलो इसका पोटेंशियोमीटर को कम कर लेते हैं एंड इधर से हम लोग ऑडियो प्ले कर दिया। गाइस कॉपीराइट आ जाएगा यार, चलिए कट कट करके आप लोग सुनाते होगा। गाइस बहुत ही अमेजिंग साउंड है गाइस इसका, तो देखिए गाइस कॉपीराइट आ जाएगा, बैंड बज जाएगा यार मेरा। तो देखिए रिपेयर हो जाता है गाइस, जब आप लोग का कंप्यूटर हमिंग करे या कट कट के साउंड आ रहे, मेन कैंप फिल्टर कैपेसिटर चेंज करो, नहीं होगा तो रेजिस्टेंस मिलेगा, वो वाला रेजिस्टेंस चेंज कर दो फिल्टर कैपेसिटर का, यानी कि बेस का जो कनेक्टर है उसके बाजू में मिलेगा। ठीक है गाइस, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बाज रहेगा इस होम थिएटर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।